एक गीत चूंकि सन 81 से इस मंच पर कीर्तन हो रहा है और मेरा जन्म 83 है, 83 मेरे जन्म से 2 साल पहले से यहाँ कीर्तन हो रहा है, तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि दूसरी बार अवसर मिला और हमारे परम श्रद्धेय गुरुवर स्वर्गीय दादा श्री श्याम तुफानी जी, जैसा कि आप सभी ने बताया कि यहाँ आ चुके हैं इस मंच पर, तो शायद पहले कभी सुना हो आप लोगों ने, लेकिन ये मेरी इच्छा है इस गीत को आप लोगों तक पहुंचाने की। गीत बजा परम सद्देव बाबूलाल भैया और हमारे दीक्षित दादाजी, हमारे सम्मानी पप्पू भैया। हेलो हेलो। तेरी आँखों में कि हद शहर से निकली तो हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। हदे शहर से निकली, हृदय से बता रहा हूँ, मंच पर सम्मानी बड़े भैया, बिल्कुल स्वच्छ मन से बता रहा हूँ, मंच पर बता रहा हूँ कि वाकई में पता नहीं क्या ऐसा आपने जादू किया है कि मैं इंतजार करता रहता हूँ कि मेरा कार्यक्रम कब छतरपुर लगे या एमपी में लगे। जो प्यार आप लोगों का मिलता है, वाकई में मैं यहाँ का गुलाम हो गया। जोरदार तालियां इस बात के लिए होनी चाहिए और आपका प्रेम वाकई में अविस्मरणीय है। कि हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। तेरी आंखों पे अगर जुल्फ का पहरा होता, सम्मानित जनों से निवेदन कर रहा हूं, तेरी आंखों पे अगर जुल्फ का पहरा होता, तेरी आंखों पे अगर जुल्फ का पहरा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। अभी दशहरा बीत के गया है, लेकिन इस बार रावण जलाने से नहीं जला, डूब के मर जाएगा हमको लगता है। इतनी बरसात हुई कि जलाए तो लेकिन बुझ गई आगे बरसात, नहीं वो डूब के मर। लेकिन सुनिएगा, ये आपके मनोरंजन के लिए, आपके मनोरंजन के लिए। आदमी दादा अवध नगरिया सजी यदि न निराली होती, एक एक पंक्ति बगैर समझाए आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आदरणीय अवध नगरिया सजी यदि न निराली होती, सोने की लंका यदि जल के न काली होती, समझ अवध नगरिया सजी यदि न निराली होती, सोने की लंका अगर जल के न काली होती। पसंद आए तो एक साथ तालियां चाहूंगा। अवध नगरिया सजी यदि न निराली होती, सोने की लंका यदि जल के न काली होती, न दशहरा होता, न दीवार
रात्रि का बहुमूल्य आशीर्वाद, मैं इसको रुपयों में नहीं बता सकता। परम श्रद्धेय गुरुतुल्य हमारे दादा सम्मानी, हमारे नाम लेने भी हम बच्चों को संकोच होता है। जोरदार तालियां चाहूंगा। हमारे आदमी कीर्तन जगत के सम्मानी दादा श्री दीक्षित जी, आप इन पंक्तियों पर एक पुष्पहार और ढेर सारा रुपया नहीं कह सकता हूं, सादर चरण स्पर्श है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात यही है कि आपने पसंद किया दादा, सादर चरण स्पर्श है दीक्षित दादा को। और हमारे बड़े भैया, हम लोगों को गर्व रहता है आदमी बड़े भैया कि हम चाहे जिस जगह रहे, कोई एमपी में ही नहीं, चाहे जहां रहे आपकी छत्र छाया हम बच्चों पर हमेशा बनी रहती है। सम्मानी हमारे पप्पू भैया के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। 501 पत्र मुद्राएं सादर चरण स्पर्श है। और आदरणीय दादा हमारे पाठक जी, आपके चरणों में नमन कर रहा हूं। 201 पत्र मुद्राएं और एक पुष्पहार उन पंक्तियों पर सादर चरण स्पर्श है। आप सभी का आशीर्वाद मिला, मैं धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। अवध नगरीय सजी यदि निराली होती, अगर भगवान श्री राम ना आए होते 14 वर्षों बाद, या कोई ऐसी घटना घट गई होती, अवध नगरीय सजी यदि निराली होती, सोने की लंका वो अगर जल के न काली होती, दशहरा होता न दिवाली होता। और ये एक लाइन सुन ले, उसके बाद बोल लूंगा पुरस्कार। कारण सिर्फ कारण, अगर वो बात मन खरा की तो भाती मन में, मंथरा की बात ना मानी होती, ना अच्छी लगती, तो कैकेयी माता को भवन में ना जाते। अगर चौदह वर्षों के लिए राम न जाते वन में, अगर दो वचन के लिए वचन बद्धित ना होते महाराज, तो काहे लिए जाते। और सुनिएगा, अगर सुपन खाने वो नींव न डाली होती, मान लिया प्रभु चले भी गए मन, लेकिन लेकिन अगर सुपन खाने वो नींव न डाली होती, अवध नगरीय सजी यदि न निराली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। ज्योति समझते रहिए, अगर छाया को न लंके सिने हरा होता, माता सीता जी की छाया का लंकेश ने हरण किया, अगर छाया को न लंके सिने हरा होता, जटायु राम के द्वारा न जो तरा होता।
अगर छाया को लंकेश ने ना हरा होता, जटायु राम के द्वारा ना तरा होता। तो सुनिए सुने उसने न टाली होती। क्या बात, क्या बात। मंदोदरी ने अपने पति रावण को बहुत समझाया कि पिया माता जानकी को ये लक्ष्मी स्वरूपा है, श्री हर की भार्या, इनको वापस कर दो, तुमने बहुत गलत काम किया है। बात मंदोदरी की उसने न टाली होती, सोने की लंका यदि जल के न काली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। अंतिम बात पंक्ति सुनिएगा, कुछ फिल्मों के भी नाम लगे इसमें। जब भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या आ गए, दादा जब अयोध्या आ गए भगवान श्री राम, तो दादा तूफानी गति भारत ने जो संभाली होती। अगर भारत जी ने अयोध्या का सिंहासन राज काज संभाल लिया होता तो शायद इतनी खुशियां ना मनाई जाती। तूफानी गति जो भारत ने संभाली होती, प्यास माता ने अगर अपनी बुझा ली होती, प्यास माता ने जो अगर अपनी बुझा ली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। तो कर दो माँ बाप के चरणों में, पना करना है जिंदगी तो कर दो माँ बाप के चरणों में, क्योंकि यही वो रिश्ता है जिसमें कभी धोखा नहीं होता है। क्या बात है, हृदय से धन्यवाद है।
सुन रहे थे आप लोग अभी। बढ़िया जवाब आप लोगों ने सुना है। ये अच्छी बात है। देखिए जब कोई अपना बन जाता है तो जाहिर सी बात है कि प्रेम चाहे आप हो चाहे हम हो, तो जब कोई अपना बन जाता है तो स्नेह प्रेम मिलना ये स्वाभाविक बात है। बिल्कुल। आप दूसरी बार आए हैं ये एक अलग का विषय है। अब आपने हमारी बात पर संदेह कर दिया। कौन सी? हमने कह दिया कि जल प्रहार कर रहे हैं। निवेदन कर रही हूँ अगर तर्क अच्छा हो। हमारी बात हमारी पंक्ति कह रही थी कि जल प्रहार कर रहे हैं। अच्छा जब कोई चीज किसी की ओर फेंकी जाए वो प्रहार नहीं तो और क्या है? और क्या? फेंकना किसको कहते हैं जरा बताइएगा। जल प्रहार कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जल प्रहार कर रहे हैं, जल को लेकर के फेंक रहे हैं, ये बात तो ये प्रहार नहीं तो और क्या है? छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। वाह, छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं भाई। वाह। अरे दुष्टों पे राघव दया सरकार कर रहे हैं। मतलब जल बिहार का विषय आपने बिल्कुल बदल दिया। कहीं से भी तो नहीं आपने दिखाया कि कहीं जल बिहार हो रहा हो। बस एक पंक्ति आपने पकड़ ली कि वही मेघनाथ वो मगर मक्ष बन के आ गया। और बस लखनलाल का पैर उसने पकड़ लिया। प्रहार कर दिया। बस प्रहार पकड़ लिए, बस जवाब हो गया। बस हो गया जवाब। अगर जल बिहार दिखाना था तो कहीं और से दिखाते आप। और क्या? तो मैं समझती कि जवाब है, लेकिन पहला दौर है, चलिए कुछ नहीं कहूंगी। प्रहार के चक्कर में रह गए। बढ़िया बात आपकी ओर से आई। अब देखें, जब ये गीत जब आपके जन्म से पहले का है तो जरा हमारी ओर भी देखिए। हमारा कहीं अता पता नहीं रहा होगा। और क्या? लेकिन मैं प्रयास करूंगी बड़े भैया, सुनिए। हाँ लेकिन चलिए। तेरी आंखों पे यदि जुल्फ पहरा होता, तेरी आंखों पे यदि जुल्फ का पहरा होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, यदि जुल्फ का पहरा होता, तेरी आंखों पे यदि जुल्फ का पहरा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। फिर बढ़िया बात आप लेकर के आए हैं, लोगों ने पसंद किया। अवध नगरिया सजी यदि न निराली होती, सोने की लंका यदि जल के न काली होती, तो न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। अरे ये न
दशहरा होता न दिवाली होती, अवध नगरिया सजी यदि न निराली होती, ये कुछ नहीं होता अगर ये काम नहीं होता। कैसे? निवेदन कर रही हूँ, अगर जवाब की पंक्तियां बन जाए तो। शाप वरदान का जो खेल ना खरा होता, शाप वरदान का जो खेल ना खरा होता, और द्वारपालों ने अगर श्राप ना वरा होता, द्वारपाल हर के प्रिय दो जय और उपजय जान सबको, और श्राप और वरदान का यदि खेल ना खरा होता, श्राप वरदान का जो खेल ना खरा होता, द्वारपालों ने अगर श्राप ना वरा होता, तो पाप दस शीश का धरती पे न गहरा होता, पाप दस शीश का धरती पे न गहरा होता, तो ना मरा होता, शहरा होता ना दिवाली होती, अगर रावण ही ना मरता तो ना दशहरा होता ना दिवाली होती, और क्या? तो रावण का मरा जरूरी था, तो अगर वो मरा तभी दशहरा और दिवाली। पाप दस शीश का धरती पे ना गहरा होता, तो ना मरा होता, तो ना मरा होता, और बैर के भाव में भक्ति जो ना भरी होती, बैर के भाव में अगर भक्ति ना भरी होती, नहीं रावण रावण का बैर तो भगवान के लिए ऊपर से था, प्रेम अंदर था, और क्या? बैर के भाव में भक्ति जो ना भरी होती, और भक्ति में युक्ति की, भक्ति में मुक्ति की युक्ति जो ना भरी होती, क्या बात है? भक्ति में मुक्ति की युक्ति यदि ना भरी होती, यानी लोग तो भक्ति से डरते हैं, लेकिन रावण ने युक्ति लगाई, युक्ति लगाया और तर गया, क्या बात है? सीता को न दस शीश ने हरा होता, अगर माता सीता को दस शीश ने न हरण किया होता, माता सीता को न दस शीश ने हरा होता, तो ना मरा होता, तो ना मरा होता। ध्यान चाहूंगी, अगली पंक्तियां सुनिए। कैसे? हेलो, थोड़ा सा इसको बढ़ा दें अगर हो जाए तो, थोड़ा सा देख लीजिए, प्रयास कीजिए। निवेदन कर रही हूँ,
देखिए ना किसी के दबाव में ताली बजाइए ना प्रभाव में, अगर आपको अच्छा लगे तब तालियां बजाइए। और क्या, अब देखिए एक एक पहलू और रख रही हूँ। जो रिश्ता ना ठहरा होता, क्या बात है, पाप और पुण्य का अगर रिश्ता ना होता, पाप और पुण्य का जो रिश्ता ना ठहरा होता, जो ना मरा होता, जो ना मरा होता।